परी का जादुई लहंगा। संजू और आनंद अपना जीवन खुशी से काट रहे थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था माला। सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, परंतु भगवान को ये रास नहीं आया। उन्होंने उनकी खुशियां छीन ली। माला केवल 5 वर्ष की थी जब उसकी माँ का पैर फिसलने से देहांत हो गया था। बचपन में ही भगवान ने माला की माँ को माला से छीन लिया था। कुछ दिनों बाद आनंद ने एक शीतल नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लिया था। माला, आज से ये तुम्हारी माँ है। परंतु पिताजी, माँ तो मर गई है ना? हाँ बेटा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ लेकर आया हूँ। शीतल की भी एक बेटी थी, वो उसे लेकर आई थी। उसका नाम था कोमल। शीतल माला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा माला से सारे घर के काम करवाया करती थी और उस पर हुक्म चलाया करती थी। माला, खाना बना के नहीं बना? माँ, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए खाना अभी नहीं बना है। गैस खत्म हो गई है तो जंगल से लकड़ी नहीं ला सकती थी? तुझे तो बस काम ना करने के बहाने चाहिए। चल, अब जल्दी से जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। माला जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। माला के जंगल जाने के बाद शीतल अपनी बेटी कोमल को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी और उसके बाद सब कुछ छुपा छुपा कर रख देती थी। एक दिन माला जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस आती है। अरे माँ, गर्म गर्म समोसे की खुशबू आ रही है। आपने समोसे बनाए हैं क्या? मेरा भी मन कर रहा है समोसे खाने का। तेरे बाप की इतनी तनख्वाह नहीं है कि घर में तरह तरह के पकवान बनते रहे। तुझे ऐसी ही खुशबू आ रही है, बढ़िया ही खुशबू लेने वाली। सुबह का खाना रखा हुआ है, जाकर वो खा ले चुपचाप से। ठीक है माँ। माला बहुत दुखी होती है और मन ही मन सोचती है। माँ मुझे बिना बात के ही डांटती रहती है और कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वो मुझसे ऐसा कहती? वो कुछ भी करती परंतु वो मुझे समोसे बनाकर खिलाती। इसी तरह शीतल माला पर अत्याचार करती रहती। ऐसे ही करते करते कई साल बीत जाते हैं। दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। एक दिन आनंद ने शीतल से कहा, शीतल, मैंने एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा लड़का है, घर बार भी अच्छा है, क्यों ना हम माला की शादी कर दे, माला खुशी खुशी रहेगी। देखो जी, लड़का अपनी बराबरी का ही देखो। जितना अच्छा लड़का देखोगे उतना ही दहेज भी देना पड़ेगा। अरे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल हमारी बेटी ही चाहिए। इसके बाद अपनी बेटी माला की शादी तय कर देता है। परंतु शीतल के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। माला, जा जल्दी से जाकर रोटियां बना ले, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, अगले हफ्ते मेरी शादी है और मेरे यहाँ से जाने के बाद तो ये सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे ना? तो आप कोमल से ही कहिए कि वो कुछ सीख ले, क्योंकि मेरे बाद तो उसको भी आपकी मदद करनी ही पड़ेगी ना। तेरे जुबान बहुत चलने लगी है, रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इसके बाद शीतल माला को बहुत मारती है। मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अभी बनाती हूँ रोटियाँ। इसके बाद सभी के लिए माला रोटियाँ बनाती है और सुबह सुबह खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेने जाती है। माला देखती है कि उसके हाथों में तो चोट लगी है, वो लकड़ियाँ कैसे तोड़ेगी। हे भगवान, ऐसी माँ किसी को मत देना। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो शादी से कुछ दिन पहले वो मुझे मार कर लकड़ियाँ लेने को नहीं भेजती। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। रोते रोते माला थोड़ी आगे बढ़ती है। उसे पेड़ के पास लकड़ियाँ दिखाई देता है। चलो, अच्छा हुआ आज लकड़ियाँ तोड़नी नहीं पड़ेगी, वैसे भी हाथों में चोट लगी हुई है। माला लकड़ियाँ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसे एक लहंगा दिखाई देता है। अरे, ये तो लहंगा है, परंतु इस जंगल में लहंगा कौन छोड़ सकता है? अरे, ये तो जंगल में पड़े पड़े गंदा भी हो गया है। मैं एक काम करती हूँ, इसे उठा लेती हूँ। इसके बाद माला लहंगा उठाकर लकड़ियों के साथ घर ले आती है। अरे ये क्या, तू लकड़ियों के साथ साथ फटे पुराने कपड़े लेकर भी आने लगी है? माँ, पता नहीं ये लहंगा मुझे जंगल से मिला है, ये फटा हुआ लहंगा नहीं है, ये बस थोड़ा गंदा हो गया है, मैं इसे साफ कर लूंगी। हाँ ठीक है, तू इसे धोकर साफ कर ले, कम से कम तेरी शादी में कपड़े तो नहीं लेने पड़ेंगे।
इतनी देर में वहाँ पर कोमल आ जाती है और कहती है, माँ अरे वाह, आज तो महारानी को जंगल से एक लहंगा मिल गया है। अच्छा ही है, अब ये अपनी शादी में यही लहंगा पहनेगी, हमें दिलवाने नहीं पड़ेंगे, अब ये मिस इंडिया बनेगी। अच्छा है माला, तुझे तेरी शादी के लिए लहंगा तो मिल गया, अब तो इसे ही पहनना अपनी शादी पर। ऐसे ही फिर शादी का समय आ गया। शीतल, मैं सोच रहा था कि माला की शादी धूमधाम से हो। अरे पागल हो गई हो क्या, जब लड़के वालों ने खुद ही कहा है कि वो दहेज नहीं लेंगे तो क्यों फालतू में बखेड़ा खड़ा करना। मैं तो कहती हूँ माला को दो जोड़े कपड़ों में ही विदा कर दो, हमारा भी बुढ़ापा है और अभी तो हमें कोमल की भी शादी करनी है। शीतल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शीतल फिर माला के पास जाकर उससे कहती है, सुन अच्छे घर में जा रही है तो तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, बारात आने वाली है, और हाँ वही लहंगा पहन लेना जो तू जंगल से लेकर आई थी, बाकी तो तेरे ससुराल वाले तुझे दे ही रहे हैं। इसके बाद माला अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाती है और वो अपने आप से रोते हुए कहती है, माँ अगर आप जिंदा होती तो क्या मैं शादी के दिन ये पुराना लहंगा पहनती। इसके बाद माला रोते रोते अपने आप को शीशे में देखने लगती है। वो देखती है कि उसका लहंगा तो बहुत चमक रहा है और वो बेहद ही खूबसूरत लग रही है। ये मेरा लहंगा इतना सुंदर कैसे लग रहा है, लहंगे के साथ साथ अगर मेरे पास गहने भी होते तो कितना अच्छा होता। माला के इतना कहते ही उसके ऊपर गहने प्रकट हो जाते हैं। माला ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो सोचती है, हे भगवान कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। परंतु वो जानती थी कि ये सब हकीकत है। माला समझ चुकी थी कि ये कोई मामूली लहंगा नहीं है बल्कि ये कोई जादुई लहंगा है। शादी में माला का लहंगा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसके पिता आनंद भी बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब शीतल ने ही किया है। शीतल तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुमने माला को इतना अच्छा सुंदर लहंगा दिलाया है। आज मुझे विश्वास हो गया कि तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह माना है। इधर दोनों माँ बेटी मन ही मन हंस रहे होते हैं कि सभी लोगों को पुराना सा लहंगा अच्छा लग रहा है, लगता है सब पागल हो गए हैं। फिर माला की विदाई हो जाती है, वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। यहाँ एक साल बीत जाने के बाद कोमल के लिए भी रिश्ता आता है और उसकी शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन कोमल के ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। कोमल के पिता अपने समधी के आगे अपनी पगड़ी रखते हुए कहते हैं, समधी जी हमने आपको अपना सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास इसके अलावा कुछ और देने को नहीं है। देखिए भाई साहब हम कुछ नहीं जानते, हमें बस 5 लाख कैश और कुछ सोने और एक गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। नहीं समधी जी ऐसा मत करिए, हमारे पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। माला ने उस दिन वो जादुई लहंगा पहन रखा था। माला अपने पिता से कहती है, पिताजी आपको अपनी पगड़ी यहाँ पर रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लड़के वालों की सभी मांग पूरी कर दीजिए, मैं अभी आपको दे देती हूँ। इसके बाद माला अपने कमरे में जाती है। माला जादुई लहंगे से कहती है, आज मेरी बहन की शादी है, लड़के वालों की सभी मांग पूरी कर दो। माला के इतना कहते ही वो जादुई लहंगा वहाँ पर रुपए, हीरे मोती और एक गाड़ी प्रकट कर देता है। ये लीजिए पापा, ये आप लड़के वालों को दे दीजिए और उनका मुंह बंद कर दीजिए। ये सब देखकर शीतल कहती है, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया परंतु फिर भी आज तुम हमारी मदद कर रही हो, मुझे माफ कर दो बेटी। माँ एक बार फिर से मुझे बेटी कह दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये बेटी शब्द सुनकर। बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। हाँ मैं समझ गई हूँ माँ कि आप बदल गई हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद शीतल माला को गले लगा लेती है। परंतु बेटी ये सब तुम्हें कहाँ से मिला। माला किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि अगर वो बताती कि ये सब जादुई लहंगे से हुआ है तो सबके मन में लालच आ जाता। अरे माँ आप ये सब छोड़िए, बस आप कोमल की शादी में ये सब दे दीजिए। इसके बाद कोमल की धूमधाम से शादी हो जाती है और अब शीतल अपनी बेटी कोमल
और माला दोनों को एक तरह से प्यार करती है। और फिर दोनों बेटी अपने अपने ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नथुपुरा गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था, जिसमें बहुत हरियाली थी। हरे भरे पेड़ पौधे, लाल गुलाबी सुंदर सुंदर फूल गांव की शोभा को और बढ़ाते थे। गांव में सुंदर सुंदर पहाड़, पहाड़ों से बहते हुए झरने बहुत अच्छे लगते। ये कहानी है उस गांव में रहने वाली एक लड़की विमला की, जो नथुपुरा में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। विमला बहुत साधारण लड़की थी, ना ही वो ज्यादा किसी से बातें करती थी और ना ही ज्यादा घुला मिला करती थी। विमला के पिता सब्जी बेचा करते थे और विमला की माँ विमला को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। बेचारी विमला अकेले ही अपने घर में अपने पिता के साथ ही रहती थी और उनकी सेवा करती थी। एक दिन, पिताजी नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद सब्जी बेचने चले जाइएगा। ठीक है बेटी, मैं अभी आता हूँ, तू मेरे लिए खाना लगाकर रख दे। खाना खाने के बाद रामू अपनी सब्जियों का ठेला लेकर गांव-गांव में घूमने लगता है। आलू ले लो, बैगन ले लो, हरी हरी ताजा ताजा सब्जियां ले लो, रस्ते का माल सस्ते में ले लो, सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो। सब्जियां ताजी ताजी बिका करती थी और बची हुई सब्जियां बर्बाद हो जाती थी। सब्जियां बेचकर रामू को कोई फायदा नहीं होता था, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। विमला, बिटिया भी बड़ी हो रही है, मुझे उसकी शादी भी करनी है और मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कोई नौकरी कर सकूँ। आज ही मैं गांव के सरपंच जी के घर जाता हूँ और उससे कुछ काम मांगता हूँ। ये बोलकर रामू अपनी सब्जियों का ठेला लेकर अपने घर वापस चला जाता है। पिताजी, आज आप बहुत जल्दी वापस आ गई। हाँ बिटिया, सभी ताजी सब्जियाँ बिक गई है और यह बासी सब्जियाँ ही रह गई है जिसे कोई नहीं खरीदता है, इसलिए मैं घर वापस आ गया हूँ। पिताजी, आप बहुत निराश नजर आ रहे हैं, क्या हुआ है? तू तो जानती ही है, मैं रोजाना 10 किलो सब्जियां लेकर जाता हूँ, जिसमें से 3 किलो ही बिकती है। बाकी की सब्जियां ना बिकने से खराब हो जाती है और पैसे बर्बाद हो जाते हैं। जितनी भी सब्जियां मैं बेचता हूँ उसमें से कुछ बचत नहीं हो पाता। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं कोई और काम देख लूँ, इसलिए आज मैं सरपंच जी के यहाँ काम मांगने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। इसके बाद रामू सरपंच जी के घर जाता है। सेठ जी, मैं आपके गांव में रहने वाला एक नागरिक हूँ, आपके पास बहुत आशा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, तू वही है ना जो चौराहे पे खड़े होकर सब्जियाँ बेचता है और नदी के पास वाली झोपड़ी में रहता है। हाँ सेठ जी, आपने सही पहचाना, आप तो बहुत ही महान है, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई है। हाँ हाँ, मुझे अपने गांव में सभी की खबर रहती है कि कौन क्या कर रहा है। आप बता, तुझे क्या काम है? मालिक, सब्जियों में मेरी कुछ बचत नहीं हो पा रही है और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, जिसका मुझे विवाह भी करना है, इसलिए अगर आपके पास कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुझे काम चाहिए तो कल से काम पर आ जाना, तू मेरे घर पर नौकरों के साथ काम कर लेना, बदले में मैं तुझे 3,000 रुपए महीने के दे दिया करूँगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मालिक। इतना कहकर रामू अपने घर जाता है और अपनी सारी कहानी अपनी बेटी विमला को बताता है। बेटिया, सरपंच जी ने मुझे काम पर रख लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सब्जियाँ बेचने जाऊँ और सब्जियाँ बेचने के बाद सरपंच जी के घर पर जाकर उनके काम भी कर लूँ। परंतु पिताजी, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको इतना काम करना शोभा नहीं देता है, आप सब्जियाँ बेचिए, सरपंच जी के यहाँ काम करने मैं चली जाया करूँगी। लेकिन बिटिया। लेकिन कुछ नहीं पिताजी, मैंने कहा ना, आप ज्यादा काम नहीं करेंगे। रामू जानता था कि विमला नहीं मानेगी, इसलिए वो विमला को नहीं रोकता। अगले सुबह विमला घर के सारे काम खत्म करके सरपंच जी के यहाँ काम करने जाती है। विमला एक नौजवान लड़की थी। विमला मन लगाकर सरपंच जी के यहाँ काम कर रही होती है कि तभी सरपंच आता है। लड़की, तू रामू की बिटिया है ना? हाँ सेठ जी, वो मेरे पिताजी हैं। रामू तो कह रहा था कि वह काम करने आएगा। चलो कोई नहीं, मुझे काम से मतलब है, चाहो तुम करो या रामू करे। मालिक, पिताजी की अब उम्र हो गई है, उनसे ज्यादा काम नहीं होता है, इसलिए उनके बदले मैं ही आया करूँगी। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम विमला है सेठ जी। विमला,
वाकई में बहुत ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विमला को सेठ की हरकत कुछ ठीक नहीं लगती, परंतु वो अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। विमला सेठ के घर काम करती और सेठ पूरे दिन उस पर नजर रखता। विमला को समझ आ रहा था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो शांति से अपना काम करती और अपने घर वापस आ जाया करती। एक दिन विमला सरपंच के घर में खाना बना रही थी, तभी सरपंच वहाँ आता है और कहता है, विमला मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना सेठ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? विमला देख, मैं तेरे भले के लिए कहना चाहता हूँ। तेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं और अब उनसे मेहनत नहीं होती। मैं उनकी सारी परेशानियाँ समझ सकता हूँ। वह चाहते हैं कि तेरे एक अच्छे घर में शादी हो जाए। मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, पर मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। देख विमला, यह फालतू की भाषण मत दे। मैं तो तेरे भले की ही बात कह रहा हूँ। अगर तुझे समझ नहीं आती तो कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे अपने काम से निकालेंगे? सेठ जी मैं ये काम छोड़कर जा रही हूँ, लालत है आप जैसे लोगों पर। विमला सेठ जी को सुनाकर वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है और सोचती है, अगर ये सब मैंने पिताजी को बताया तो वो परेशान हो जाएंगे। मुझे ये बात छुपानी होगी, परंतु अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करूँगी। विमला ये सब सोच रही होती है और सोचते सोचते घर जाने की जगह एक जंगल में पहुँच जाती है। विमला कभी घर से बाहर नहीं गई थी, इसलिए वो रास्ता भटक चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दाएं जाए या बाएं जाए। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पिताजी घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं कैसे वापस जाऊँ। विमला बहुत उदास हो जाती है और वहाँ पर बैठे बैठे रो रही होती है कि तभी विमला के पास एक परी आती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ इस तरह से रो क्यों रही हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ। घर पर पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। कृपया मुझे मेरे घर भेज दीजिए। विमला इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें अभी घर पहुँचा देती हूँ। परी जी सच कहो तो मैं इस बात के लिए परेशान हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है? विमला मैं सब जानती हूँ, मैंने सब देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। परंतु आप मेरी कैसे सहायता कर सकती हैं? विमला मेरे पास एक जादुई लहंगा है जिसके मदद से तुम कुछ भी ले सकती हो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी। इसके बाद वो लहंगा विमला को दे देती है। जैसे ही वो लहंगा लेती है, परी वहाँ से गायब हो जाती है। विमला परी की बातों को समझ चुकी थी, वो लहंगे से कहती है, जादुई लहंगे मुझे मेरे घर पहुँचा दो। विमला के इतना कहने के बाद जादुई लहंगा उड़ने वाले लहंगे में बदल जाता है और विमला को उसके घर पहुंचा देता है। घर पहुंचकर विमला देखती है कि उसके पिताजी घर वापस नहीं आए हैं। पिताजी के घर आने से पहले मुझे सारी चीजें ठीक करनी होंगी। जादुई लहंगे मेरी झोपड़ी को ठीक कर दो। विमला के कहने पर जादुई लहंगा विमला के घर को एक महल में बदल देता है। वो बहुत बड़ा सुंदर सा एक महल बन जाता है। विमला ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर विमला वो लहंगा पहन लेती है, जिसे पहनने पर विमला पहले से भी ज्यादा और खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर विमला बहुत खुश होती है और वो अब अपने पिताजी के घर आने का इंतजार कर रही होती है। रामू जब घर वापस आता है तो वो अपनी झोपड़ी ना पाकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, यह मैं कहाँ आ गया हूँ? पहले तो यहाँ मेरी झोपड़ी थी, लगता है मैं गलत दिशा की ओर आ गया हूँ। अपने पिताजी को विमला देख रही होती है, तभी उनके पास जाती है और कहती है, पिताजी ये हमारा ही घर है, आइए अंदर आइए ना। रामू घर के अंदर जाता है। फिर विमला अपनी सारी कहानी पिताजी को सुनाती है। पिताजी अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारी सभी परेशानियाँ दूर हो गई है। ये जादुई लहंगा हमारी हर तरह से सहायता करेगा। ये सब देख सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है कि अब वो अपनी बेटी को हंसी खुशी से देख सकेगा। अब रामू एक अच्छा सा लड़का देखकर विमला की शादी करा देता है और फिर अपने तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। विमला अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं।
और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।